इवनिंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों का जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज था उसे लेके आया हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्ट 9 तक डिस्कस कर लिए हैं और बायोलॉजी का 2 पार्ट हमने देख लिया और हमारा जो बायोलॉजी का 3rd पार्ट है। एंड सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गया, जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि मैंने अपने जितने भी एपिसोड अपलोड किए हैं एनटीपीसी के, सबको मैंने मॉर्निंग में किया है, बट आज मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया जिसके कारण मैं शाम में इसके वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश करूँगा कि बायोलॉजी हमारा कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि अब आपके पास जिनका 9 तारीख को एग्ज़ाम है उनके पास टाइम है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूं। इससे पहले आप लोगों को लगभग 110 क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिए थे बायोलॉजी के। हालांकि फ्रेंड्स, आप सबको पता हो ही होगा कि एनटीपीसी रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। 20 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही देखने को मिलेंगे। तो बायोलॉजी में थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा बायोलॉजी में 3 या 4 एपिसोड हो सकता है। अभी तक मैंने 2 एपिसोड अपलोड कर दिया है, आज हमारा तीसरा है। तो इससे पहले 110 क्वेश्चन 2 वीडियो में मैंने अपलोड किया था और अभी हमारे पास लगभग 165 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 165 क्वेश्चन अपलोड, इसको मेरे हिसाब से एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको अगर एक वीडियो में कवर हो जाए तो मैं कवर आउट कर लूँ। अदरवाइज़ मैं 40 मिनट का भी अगर वीडियो होता है तो मैं इसे बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं इसका जो सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट है बायोलॉजी का, लेके आऊँगा, क्योंकि आप बायोलॉजी से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने लगभग 110 क्वेश्चन देखे थे, चलिए फ्रेंड्स 109 क्वेश्चन यहाँ पे अब सामने है तो इसे देख के चलते हैं। बताइए फ्रेंड, एक जीवाणु संबंधी रोग है, आप लोगों ने इसे कल किया भी था। बताइए जीवाणु संबंधी रोग कौन सा है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? सिफिल्स जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, हठीले परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किनके द्वारा किया जाता है? परसिस्टेंट कार्बनिक पदार्थों का जो परिवहन होता है ज़्यादातर किनके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है आप लोग हवा और पानी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को डैश कहा जाता है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को वेक्टर कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोलोज के एरोजेल के संबंध में सच है, क्या है? विकसित हरे विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में क्या सच है? तो देखिए, सिलिका से बना होता है एरोजेल, नहीं, बेकार कागजों से बना होता है, जी हाँ बेकार कागजों से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो डीएनए डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस डीएनए के संबंध में क्या एक इसिनसिटी है, जातीयता है, एंसेंट्री है, वंशावली है, ये सब इन तरीकों से जो मतलब डीएनए का ये मतलब डीएनए परीक्षण होता है। लेकिन पोलियो, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन में पोलियो देखा जाए तो पोलियो डीएनए से संबंधित बीमारी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे, और बाकी जो जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली, ये सब जो है तीनों ऑप्शन डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में क्या सच है? डीडीटी एक कीटनाशक है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है, यहाँ पे लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा का प्रजाति कौन सा है? तुलसी जो कि लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तुलसी का पेड़ एक मतलब एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो कि अब लुप्त के कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थानापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एनेस्थेटिक्स के लिए स्थानापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक्स के लिए स्थानापन के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाता है आपको फिर नाइट्रस ऑक्साइड। विज्ञान की वह शाखा जो
जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। एंटेमोलॉजी जीव जंतुओं के बारे में होता है, ठीक है। माइकोलॉजी शैवालों के बारे में अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? अल्बर्ट साबिन के द्वारा पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया था। अल्बर्ट साबिन के द्वारा पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन आपको सबको पता होगा आर्केनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आर्केनोलॉजी कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी कहलाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ये तो इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गंडमाला या गोएटर या फिर इसको एक और भाषा बोलते हैं हम लोग जनरल आम चल के भाषा में गलकंड भी बोलते हैं। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमोसफेयर? तो एटमोसफेयर में हमारे 78% जो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वातावरण में। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा कार्टोग्राफी नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है। कार्टोग्राफी नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी बहुत बड़ा इसमें भाषा लिखा गया है जिससे हम लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोग पढ़िए। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने या करने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचय विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है, मानसून के दौरान पानी के अपवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पानी के पीने में उपलब्धता मदद करता है। इन सब से ज़्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस कथन का सबसे ज़्यादा समर्थन करता है? तो पैराग्राफ का मतलब आपने समझ ही लिया कि कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे जलवायु पर, यहाँ पे कहने का मतलब मैं अगर एक लाइन में आपको बता दूँ कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण हम लोग जल संचय करते हैं, जहाँ गांवों में शहरों में हम लोग मतलब भंडारण करते हैं जल का, जो कि भू स्तर को जल के भूजल स्तर को बनाए रखता है, उसके अपवाह को कम करता है। इस बात को स्पष्ट किया गया इस कथन के द्वारा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है। जलवायु परिवर्तन ने मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, ठीक है फ्रेंड्स। वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। वर्षा जल संचयन समय की मांग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, वर्षा जल संचय के बारे में ही कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक बार फिर से हम लोग बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पाचन में मदद करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेरोलॉजी का अध्ययन डैश कहलाता है। सेरोलॉजी का अध्ययन, छिपकली का जो अध्ययन किया जाता है वो सेरोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये आप सबको पता ही होगा, क्रिस्टियन बर्नार्ड साहब ने किया था। किसने? क्रिस्टियन बर्नार्ड साहब ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी, ये सबको पता ही होगा। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, मानव कोशिका सबसे बड़ी जो ओभम होती है, ओभम सबसे बड़ी मानव कोशिका है। मानव कोशिका सबसे बड़ी ओभम है, सबसे बड़ी मानव कोशिका ओभम है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार जो है आपको फुफ्फुस धमनी पुलमोनरी आर्टरी करता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बैंटिंग को ही सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। फ्रेडरिक बैंटिंग को ही इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो आपको न्यू होरोजिन जो है कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब का कार्य करता है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों
में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे सबको पता होगा कि एडम्स एप्पल कहते हैं, उसे हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट, एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन को फिर डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, बट यहाँ पे देखिए आप लोग, विलियम रॉन्टजॉन ने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है, किसने की थी, विलियम रॉन्टजॉन ने। मानव स्पाइनल कॉलम डैश की हड्डियों से बना होता है, कितने हड्डियों से बना होता है, तो मानव जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो 33 बोन्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है, रेत पानी फिल्टर के संबंध में कौन सा जैव सही नहीं है, तो यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है, नहीं, अवसाधन सेडिमेंटेशन के बड़े कणों को बढ़ाता है हटाता है, नहीं, फिल्ट्रेशन छोटे कणों को हटाता है, नहीं, उच्च गुणवत्ता वाले पानी हमेशा सुनिश्चित करता है, जी हाँ। नेक्स्ट, पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो HIV के लिए होता है, ठीक है। CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है, कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, सही बात है, स्कैनर अक्सर दर्दनाक होता है, जी नहीं, ये तो गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख जो है रेसस फैक्टर नहीं करता, RH फैक्टर सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में माना जाता है, खाद के लिए सहायक के रूप में मछलियों की हड्डियों को माना जाता है। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है, वो आपको भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। ये ऑप्शन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, बायोप्सी BIOPSY। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है, सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। खसरा किसकी वजह से होता है, तो खसरा जो है वायरस की वजह से होता है, खसरा किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है, तो त्वचा में पसीने वाली ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मेलेनिन की उपस्थिति के कारण, तो हम लोग सूरज के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा जो है सांवली होने लगती है। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार के चिकित्सा को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा रहा है गया था। हैयत दवा किस औषधि पौधों से निकाली जाती है, मलेरिया रोग के दवाओं के आविष्कार के लिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह दवा किस पौधे से निकाली जाती है, तो यह आपको अजवाइन के पौधे से निकाली जाती है। नेक्स्ट, आंतरिक गति निरोधक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है, आंतरिक गति निरोधक मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो आपको इसका आंसर मैं बता दूं कि वो दिल में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायमासिन स्रावित नहीं होता है, थायरोक्सिन आपको थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, कैलिसिटोनिन भी उसी से होता है, और ट्राईआयोडोथायरोनिन भी उसी से होता है, लेकिन थायमासिन जो है आपको थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो पफर मछली जो होता है, पफर फिश जो होती है सबसे जहरीली मछली मानी जाती है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, तो रीढ़ की हड्डी वाला जो जीव होता है आपको कीवी जो होता है, ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वो रीढ़ की हड्डी वाला जीव होता है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, तो छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है, हाइड्रोजन हीलियम जलवाष्प, तो जो हम लोग छोड़ते हैं श्वास उसमें नाइट्रोजन की मौजूदगी होती है।
मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी रहती है? आपको अस्थिबंध लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो शिशु के शरीर में 208 हड्डियां पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको राइबोजियम को माना जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्स्थापना है? तो आपको रिफॉरेस्टेशन जो होता है प्राकृतिक या कृत्रिम जंगलों को पुनः स्थापना करना से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज किसके अधिकता के कारण होती है? तो ग्लूकोज का अधिकता के कारण डायबिटीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? कृत्रिम पैर आपको जो जयपुर फूट जो होता है कृत्रिम पैर का जयपुर फूट में ही कृत्रिम पैर बनता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आप सबको देखते ही क्वेश्चन पता चल गया होगा कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी का उपयोग किया जाता है, बीसीजी का टीका लगता है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो आपको कॉल लैड स्टीनर ने किया था। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक का मात्रा 0.4% होता है। कितना होता है? 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होता है। किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो उसे सैमुअल हैनीमैन ने किया था। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को। सिरोसिस रोग जो होता है शरीर में जिगर को प्रभावित करता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठाओं ने युद्ध किया था। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन सी के कमी से। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून के शुद्धिकरण गुर्दे से द्वारा होता है। किसके द्वारा? गुर्दों के द्वारा होता है। अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? अनुवांशिकता के नियम को ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन जीव मुलस्क परिवार से संबंधित है? जीव मुलस्क परिवार से संबंधित आपको घेंगा होता है। मुलस्क परिवार से संबंधित घेंगा है। लकड़ी के खंभे पर जानवर के चमड़े से प्रारंभिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? उसे हम लोग टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। लकड़ियों के खंभे पर जानवरों के चमड़े से प्राकृतिक रूप से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग टीपी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंगहम ने किया था। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? होता है केकड़ा। कार्सिनस का अर्थ होता है केकड़ा। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? तो ये सब आपको पता ही होगा, इसका तो पॉल हर्मन मुल्लर ने किया था। किसने? पॉल हर्मन मुल्लर ने DDT का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में बाइल या पीत का उत्पादन होता है? तो ये आप लोग बताइए फ्रेंड्स। यकृत में होता है। किस चीज में होता है? यकृत में होता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूध में वसा के मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग
स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली किस सूजन को डैश कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को आप लोगों को ब्रेंकाइटिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेंकाइटिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है, किडनी क्या गठन का कारण, अधिक पानी पीना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी बड़ा होते चला जा रहा है, और हमारे 65-70 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करके और कल सुबह में हम लोग इस बायोलॉजी के पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स।